हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपका ये आज जो SST का सेकंड सीरीज़ है, आपका मॉक टेस्ट सेकंड है, इसके पहले पहला पार्ट आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सीरीज़। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जो नहीं है सही वो आपको बताना है। सिंहभूमि लौह अयस्क, रानीगंज कोयला, कटनी सीमेंट या गुंटूर चूड़ियाँ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुंटूर आंध्र प्रदेश चूड़िया। ये सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है कि गुंटूर जो है वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है तंबाकू, ठीक है, तंबाकू के लिए मेन वो प्रसिद्ध है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सबको पता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबा उसका आंसर है। इंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। देखिए जो बेसिक है सीटेट के और यूपीटेट के अकॉर्डिंग, 8th क्लास तक का रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरी सीरीज़ है लेटेस्ट सिलेबस के बेस पर। तो यहाँ आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दक्षिण अमेरिका। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? स्वीकृत है संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, भारत की जनता द्वारा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मताधिकार यानी कि और निर्वाचित होने, दोनों ही अधिकार आपके संवैधानिक अधिकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? सीटेट में बहुत आएंगे नहीं वाले क्वेश्चन। हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी या धरना देने की आज़ादी। तो मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़ताल करने की आज़ादी। ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। अगला है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो मतदान नहीं करने योग्य होगा अगर वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, अभी सिद्ध ना हुआ हो बहुमत, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह काम चलाओ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो देखिए इसका कैंसर सॉरी आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है, अधिक से अधिक 1 वर्ष तक, अधिक से अधिक 3 वर्ष तक, अधिक से अधिक 6 माह तक, अनिश्चित काल तक। देखिए आपको ये फास्ट रिवीजन है, ये कोई टीचिंग वीडियो नहीं है, सिर्फ ये आपका मॉक टेस्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप जैसे करते जाएंगे कंप्लीट तो आपका काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित काल तक। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार को, लेनदार को, व्यापारी वर्ग को या वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक को? तो चलिए देख लीजिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेनदारों को इससे सबसे ज़्यादा जो है हानि होती है। और इससे क्या होता है, क्योंकि इसको जो प्राप्त होने वाली मुद्रा होती है वो निश्चित होती है और उसका मूल्य तो घट जाता है। जब उसने दिया था तब जो है मूल काफ़ी अच्छा था, मतलब ज़्यादा था उसका, ठीक है, मुद्रा उतनी ही मिलनी है, वैल्यू उसकी कम हो गई है, इसलिए उसका लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास करने के कारण या क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो यहाँ पे आप देख लेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
वन, जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्यों होती है जनसंख्या वृद्धि के कारण? तो देखिए, कुल राष्ट्रीय आय जो होती है वो क्या करते हैं, टोटल जनसंख्या से उसको डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तभी प्राप्त होती है। अब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि, मतलब जाहिर सी बात है ना कि कोई भी नंबर है हम उसे ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम ही आएगा। ठीक है, कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, ऐसा रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल, कुषाण काल, चोल काल, गुप्त काल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि ये 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा है, और इस अवधि में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला जो होती, वास्तुकला आपकी, साहित्य है और म्यूजिक जो है, संगीत है, इन सारी क्षेत्रों में बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त की गई। ठीक है, बहुत चिन्हित हुई हैं बहुत सारी उपलब्धियाँ, तो इसीलिए इसको भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आम तौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? अराजकतावाद, सत्तावादी, राजाशाही या लोकतंत्र। किसी भी सरकार या राज्य का जीवन भर चलता रहे राज, तो इसे क्या कहेंगे? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राजा शाही। ठीक है, लोकतंत्र तो किसी एंगल से नहीं कह सकते, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा शाही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ले सकते हैं? निचले सदन के अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की? तो चलिए देख लेते हैं अब इसका भी आंसर। आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने कितने सही गेस किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? नहीं है वो बताना है। तो देख लीजिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण और भूमि सुधार। तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस या नेपच्यून। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है शनि, क्योंकि आपको पता है कि बाकी इसे थोड़ा अलग है, इसमें जो है आपकी रिंग्स हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, इस वजह से वलयों के कारण ये सबसे अलग हो जाता है, देखने में ही सबसे अलग हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका राजपाट संभाला था। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की थी? लोथल की खोज किसने की थी ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, SR राव। ठीक है, SR राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्न गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली गैस है? तो चलिए देख लीजिए ऑप्शंस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? ठीक है, जो पहले से वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? क्षोभ मंडल, तापमंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है, कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है, या एक ग्राम सभा में केवल एक ही गाँव होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यदि
कोई भी मतलब जो 18 साल या इससे अधिक है वो ग्राम सभा का सदस्य है, वो गांव का भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो आज के इतने क्वेश्चंस थे और ये आपका सेकंड मॉक टेस्ट था। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सीरीज मिलेगी उसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको डेली ऐसे ही मॉक टेस्ट मिलते रहें और कुछ लाइव क्लासेस भी मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।